हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके सामने चीज़ी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। इटालियन फूड और चाइनीज़ फूड को देख के तो हमारा मन करता ही है खाने का, और उसमें गार्लिक ब्रेड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बच्चों को भी बहुत पसंद है और बड़ों को भी। चलिए झटपट हम अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप्स है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ी यमी गार्लिक ब्रेड बनाने के। ये देखिए, ये क्रिस्पी अच्छी तरह से बेक्ड हैं, स्पॉन्ची भी हैं, और इसमें फुल इटालियन फ्लेवर है। हम इसे सेकंड पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गार्लिक ब्रेड का डो तैयार करते हैं। मैंने हाफ कप गुनगुना पानी ले लिया है, और उसमें मैंने 2 टीस्पून चीनी डाली है। अब इस चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी गुनगुना है तो चीनी जल्दी मिक्स हो जाएगी। अब इसमें मैं ड्राई ईस्ट पाउडर को डालूंगी। मैंने 1.5 टीस्पून ड्राई ईस्ट पाउडर ऐड कर रही हूँ। ईस्ट पाउडर, जिसे खमीर भी बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये आटे को खमीर करेगा, तभी हमारी जो है ब्रेड अच्छे से बन पाएगी। अब इसको हम मिक्स करके आधा घंटा साइड में रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम डो तैयार करेंगे। मैंने 1.5 कप ऑफ मैदा लिया है, इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। ये 1.5 कप ऑफ मैदा, इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है फ्रेंड्स, तो फ्रेश गार्लिक को क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा सॉल्ट टू टेस्ट। इसमें सॉल्ट फ्रेंड्स थोड़ा कम ही डालिएगा बाहर के ब्रेड में, क्योंकि हमारी सीजनिंग में और चीज़ में दोनों में सॉल्ट होगा, तो इसमें थोड़ा कम डालेंगे तो एवरेज अच्छी बनी रहेगी, लगभग छोटा 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा आटा मिक्स हो गया। अब इसे हम एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। जो हमने पानी तैयार किया था खमीर के लिए, वो हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे। एकदम से पूरा पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डाल के। ये देखिए, मैंने एक डो तैयार कर लिया है। अब इसको मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी, और इसको फिर अच्छे से गूंदूंगी। फ्रेंड्स, कोई भी ब्रेड तभी अच्छी बनती है अगर उसको अच्छे से गूंदा जाए। आप इसको जितना अच्छे से गूंदेंगे, ये उतनी बढ़िया ब्रेड फूल के आएगी। तो हम 3 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से गूंदते रहेंगे। इसको अच्छे से खींचना है, दबाना है, अच्छे से गूंदना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें खमीर की अच्छी पोजीशन जाए। अब इसको हम कवर करके 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। इसको क्लीन फिल्म या फिर आप एल्युमिनियम फॉयल से कवर करके रख सकते हैं। अभी 1 घंटे में बहुत अच्छा खमीर उठ जाएगा इसमें, और ये ब्रेड, जितना खमीर होगा उतनी ब्रेड हमारी बढ़िया बनती है। तो 1 घंटे के लिए इसे साइड में रख देंगे। चलिए हम ब्रेड की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। इसमें मैंने गार्लिक लिया है, उसे चॉप कर लिया है, और ये स्वीट कॉर्न है, इसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। कुछ चिली फ्लेक्स चाहिए, ये पिज़्ज़ा सीजनिंग और ओरिगैनो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। और ये मैंने मोज़रेला चीज़ क्रश करके रखा है, आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास कुछ ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये एकदम से पिज़्ज़ा का फ्लेवर देते हैं, तो मैं इसे ज़रूर ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शन में है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा रेडी हो गया। अब इसे हम खोलकर देखते हैं। ये देखिए, खमीर उठे आटे की पोजीशन ही अलग हो जाती है, ये हमें देखने से ही पता चल रहा है। अब इस पर हम थोड़ा सा ड्राई मैदा स्प्रेड करेंगे और इसे गूंदेंगे। थोड़ा सा ही डालना है, ताकि ये हमारे हाथों को ना चिपके। ये ड्राई मैदा मैंने छिड़क दिया है, अब इसे थोड़ा सा और गूंदूंगी। देखिए, अब इस डो के फ्रेंड्स मैं 2 पीस कर लूंगी। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर स्प्रेड करके मैं इसको एक अच्छे से बेलूंगी, एक बड़ी रोटी के तौर पर।
ये देखिए, अब इस पर हम मोज़रेला चीज़ पहले स्प्रेड करेंगे। एक ही साइड डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसे फोल्ड करना है, तो सारा सामान एक साइड डलेगा और ऊपर से ये कवर होगा। और उसके बाद हम हमारे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। देखिए, अब थोड़ा सा गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक, अब इसमें मैं ऑलिव लगा रही हूँ। अगर ऑलिव ना हो तो आप अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये फ्लेवर के लिए, लुक के लिए अच्छा लगता है, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे पास ऑलरेडी था, ये ऑप्शनल है, नॉट कंपलसरी। अब हम पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। अब इसके साइड में हम थोड़ा पानी लगाकर इसको फोल्ड करेंगे। पानी इसलिए लगाया ताकि ये दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ जाएं। ये हम खींच के इसको अच्छे से जोड़ लेंगे। कहीं से अगर आपको थोड़ा फटा लग रहा है तो आप थोड़ा सा और आटा ऐड कर सकते हैं। अब साइड से हम इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे ताकि ये हमारा फटे ना, या इसकी अच्छी शेप भी आ जाती है। इसकी शेप का एक और तरीका है फ्रेंड्स, आप ऐसे ही साइड में फोक से भी प्रेस कर सकते हैं, मैं अभी वो भी बताऊंगी आपको। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। अच्छे से ऑयल स्प्रेड करना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर सीजनिंग का यूज़ करेंगे, तो वो सीजनिंग तभी चिपकेगी अगर इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा होगा। ये मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया। अब हम सीजनिंग स्प्रेड करेंगे। ये सबसे पहले चिली फ्लेक्स डाल दिए मैंने, वैसे ही थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये अच्छे से, ये मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर स्प्रेड कर दिया है। अब इसमें हम एक एक इंच की दूरी पर कट लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस करके अलग नहीं करना इनको, बेस अलग नहीं करना, अपर लेयर है जो उसी में कट आने चाहिए, ताकि हीट जो है अंदर तक चीज़ तक पहुँचे और चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए और बाद में हमें काटना भी इजी रहे। अब इसमें कट लगा लिए हैं। अब फ्रेंड्स इसे हम 200 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए ओवन में बेक करेंगे। ये ऊपर से भी हमारा अच्छे से पक जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैं सेकंड टेक्निक बता रही थी, आप इस तरह से इसको फोक से प्रेस करके सारे कॉर्नर्स भी जो हैं हमारे बना सकते हैं। ऐसे कॉर्नर हम गुजिया के भी बनाते हैं, तो हम इसी तरह से इसके सारे कॉर्नर्स को फोक से प्रेस करके लॉक कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने अपना यम्मी डिलीशियस फुल ऑफ चीज़ गार्लिक ब्रेड निकाल लिया है। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है। मैंने फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेक किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन पसंद है, थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी। आप चाहें तो इसे 1 मिनट पहले खोलकर चेक कर सकते हैं, आपको जितना डार्क चाहिए आप उतना रख सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट ब्रेड बना है। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें। ये एक बहुत अच्छा स्नैक्स है इवनिंग में बच्चों के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और इसके स्टेप्स इजी लगें, तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी नई वीडियो की अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड इन्जॉय द चीज़ी गार्लिक ब्रेड एट होम।